तो अगर आपके पास भी लेजर इंकजेट प्रिंटर है जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसमें आपको बार बार मैसेज देख रहा है कि केबल नॉट कनेक्टेड का, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक किस तरीके से आप सही कर सकते हैं और क्या आपको जांचना है। पहला नंबर कि आपका जो केबल, इसको आपको चेक कर लेना है कि इसका जो पोर्ट है बिल्कुल सही लगा है या नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा केबल है यूएसबी वाला, और सबसे पीछे ये देखना है कि इसका जो पोर्ट है सही है या नहीं। यानी इसमें देखिए चार पोर्ट होते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको दिखाते हैं, और इसमें देखिए तीन पोर्ट दिख रहे हैं, यानी एक पोर्ट इसमें क्या है, खराब है। यानी इसके कारण भी आपका इजी तरीके से बार बार केबल यहाँ पे डिस्कनेक्ट का ऑप्शन देगा। जैसा कि आपको दिखाते हैं, मान लीजिए अगर आप ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं इसका, यहाँ पे आपको कुछ इंटरफेस दिखाते हैं यहाँ पे हम स्क्रीन पे, जैसा कि यहाँ पे हमारे पास ड्राइवर है इसका, और इस ड्राइवर को हम क्या करते हैं कि बिल्कुल इजी तरीके से इंस्टॉल कर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा ड्राइवर, इसको हम इंस्टॉल कर आपको दिखाते हैं। यहाँ से यस पे क्लिक करते हैं और ये देखिए ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे कुछ ही टाइम बाद यहाँ पे जो प्रॉब्लम होगी इसको हम दिखाते हैं आपको कि क्या प्रॉब्लम होगी और कैसे आप इसको सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमारा इंस्टॉल हो रहा है प्रॉपर तरीके से। अब इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे आपको क्या चीज़ ध्यान से देना है, यहाँ पे दिख रहा है कि एड रिपेयर, यहाँ पे रिपेयर पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे रिपेयर पे क्लिक कर नेक्स्ट कर देना। आप जैसे यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट यहाँ पे दिखाएगा, लेकिन आपको क्या होगा कि अभी कुछ मैसेज आपको दिखाते हैं जो आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं फाइल वगैरह यहाँ पे इजी तरीके से एक्सपोर्ट हो रही हैं, और आप देख सकते हैं ये सारे हमारा भी ड्राइवर यहाँ पे अपडेट हो रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है आपको बताते हैं। तो यहाँ से हम करते हैं क्लोज, और यहाँ पे देखिए दे दिया यहाँ पे कंग्रेचुलेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, यहाँ पे आपको कर देना है क्लोज। उसके बाद यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि आपको सिस्टम को क्या करना है, शट डाउन रिस्टार्ट करना है, तो यहाँ पे आप नो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे नो करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि अब यहाँ पे आपका सिस्टम है प्रिंट करने के लिए रेडी हो गया है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हमारे जो केबल होते हैं वो प्रॉपर तरीके से लगे नहीं रहते हैं, इसके वजह से बहुत प्रॉब्लम करते हैं। तो ये आप पोर्ट जरूर देख लीजिएगा अगर आपका जो प्रिंटर है, थोड़ा सा हम इसको लाइट कर देते हैं, ये जो यहाँ पे प्रिंटर दिख रहा है इसको आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा कि कहीं इसका पिन जो है टूटा तो नहीं है। यहाँ पे देखिए हमारे पास तीन ही पिन है जिसमें से एक हमारा टूट गया है, इसके वजह से भी यहाँ पे केबल नॉट कनेक्टेड का प्रॉब्लम आती है। तो ये कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन थे जो आपको बताने थे, क्योंकि ये हमारे साथ आज हुआ है, इसके वजह से हमने वीडियो बनाया है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।